हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स 2021 पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आप लोगों के लिए, खासकर ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स निकल चुके हैं। जल्दी अप्लाई करना है आप लोगों ने। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपका चैनल है, यहाँ पर मैं धीरे धीरे हर तरह की जॉब्स आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बाकी आप मेरे YouTube चैनल पर भी विज़िट करें, वहाँ पर भी शुरू के अगर 40-50 वीडियोस आप देखेंगे, सारे फ्रेश हैं, वहाँ पे भी ढेर सारी आप लोगों को जॉब देखने को मिलेंगी। और कोई भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी जॉब्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, एडवर्टाइज नंबर 1 SAI RC ZIR, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज़ निकल के आई हैं, दैट इज़ फॉर यंग प्रोफेशनल एथलीट रिलेशन मैनेजर की 2 वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट चेफ की 1 वैकेंसी है, और इसके अलावा असिस्टेंट न्यूट्रिस्ट की 1 वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों के लिए ओपन होके आई है, ठीक है। और लेकिन साथ में लिखा हुआ है, SAI इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड इंडियन सिटीजन्स फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, मतलब ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है, फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट NCOE धर्मशाला के लिए ये आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रीजनल सेंटर पटियाला रोड नियर गुरुद्वारा, मतलब जीरकपुर मोहाली पंजाब में है ये इनका जो रीजनल ऑफिस है, ठीक है। बाकी इसकी जो डिटेल है वो आप लोग 22 तारीख से फॉर्म आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, और 30 सितंबर 2021 तक लास्ट डेट रहेगी। द कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर नीड नॉट, जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया वो अप्लाई ना करें। बाकी SAI रिजर्व्स ऑल द राइट्स। तो किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मेल कर सकते हैं गिवन ईमेल आईडी पे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। और स्क्रीन पर ही आप लोगों को देखिए saichandigarh.com एक साइट दिख रही होगी, इस साइट पे जा कर के आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि क्या एज रहेगी, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, और क्या आप लोगों की सैलरी रहेगी, ठीक है। और अप्लाई आप लोगों ने ऑनलाइन अप करना है तो कैसे करना है, तो ये बहुत अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए। बात करते हैं अगली वैकेंसीज़ के बारे में। जो अगली वैकेंसीज़, टेनोटाइपिस्ट, इंग्लिश टेनोटाइपिस्ट की रिक्वायरमेंट है। किसी दोस्त ने लिखा भी था मुझे कमेंट बॉक्स में कि स्टेनो की जॉब बताइए। तो देखिए, इस जॉब के लिए 10+2 होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ, या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। बाकी जो आप लोगों को स्केल मिलेगा एज़ पर रेट फिक्स बाई दी डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम के थ्रू, जो भी यहाँ पे रेट फिक्स होंगे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर अब आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में, शॉर्ट हैंड में, वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन की जो स्पीड होगी 15 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और जो आपके मिस्टेक्स है शुड नॉट एक्सीड 8%, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये जो नोटिस आया है, फॉर एंगेजिंग सर्विसेज ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ऑफिस ऑफ हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलरिटी अथॉरिटी गुरुग्राम थ्रू आउटसोर्सिंग एजेंसी। तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल के आई हैं, ठीक है। द हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम, गुड़गांव से ये वैकेंसीज हैं। इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम ब्राइट डायनेमिक एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट्स फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये जो आप लोगों की जो वैकेंसी है स्टेनोटाइपिस्ट की इंग्लिश में, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, मतलब भरी जाएगी, रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। बाकी दोस्तों, रिटायर्ड पर्संस फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट ऑफ देयर पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग बिलो द एज ऑफ 65 ईयर्स, जिनकी 65 से एज नीचे है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। और लास्ट पे जो आप लोगों का रहा है माइनस अन कम्यूटेड पेंशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, तो जितने भी डिज़ायरस कैंडिडेट्स हैं वो 5 अक्टूबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं इन द ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी न्यू PWD B&R रेस्ट हाउस सिविल लाइंस गुरुग्राम। द नोटिस में ऑल्सो बी सीन
ऑन दी वेबसाइट ऑफ HARERA गुरुग्राम। तो इनकी जो वेबसाइट है जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं www.haryanaera.gov.in, यहाँ पे भी जा कर के आप सारी की सारी डिटेल इस जॉब के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है प्रस्पेक्टिव वो 17/9/2021 को ये पोस्ट की गई है, ठीक है, लेकिन लास्ट डेट अप्लाई करने की है 5 अक्टूबर 2021। दोस्तों बात करते हैं अगली जॉब वैकेंसीज़ के बारे में। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड इज स्टैचुटरी बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू महरौली रोड न्यू दिल्ली की तरफ से एप्लीकेशंस मंगवाई गई हैं फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ डिप्टी लीगल एडवाइज़र इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। तो बहुत शानदार ये आप लोगों के लिए वैकेंसी निकली हुई है फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिप्टी लीगल एडवाइज़र नंबर ऑफ पोस्ट एक ही वैकेंसी है। लेवल ऑफ पे जो रहेगी पे लेवल 12 और पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC, मतलब 7th पे स्केल रहेगा आपका, ओके। और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगी ये डेपुटेशन पे जॉब है, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉलिंग विच बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड फेलिंग बोथ बाय एडजॉर्प्शन। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ये जो डेपुटेशन रहेगी कितने टाइम तक के लिए रहेगी, लेकिन स्केल आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस पोस्ट के लिए। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव करने की वो 29 अक्टूबर 2021 है। इसके अलावा दोस्तों DOPT DST एंड TDB वेबसाइट्स हैं इनकी, यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे भी ये सारी इस वैकेंसी के बारे में, जैसे एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी और एप्लीकेशन फॉर्मेट भी आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी दूसरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। अब हम बात करते हैं अगली जॉब के बारे में। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंचकुला की तरफ से आप लोगों के लिए वैकेंसीज निकल के आई हैं और ये वैकेंसीज हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। तो सैलरी रहेगी आपकी 60,000 के करीब पर मंथ और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप लोगों को रखा जाएगा दोस्तों फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, विच मे बी उसको फिर एक्सटेंड भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। एप्लीकेंट मस्ट हैव पास चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम एंड शुड हैव मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपका एग्ज़ाम पास होना चाहिए, कम से कम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज की अगर बात करें तो एज की लिमिट 42 तक अगर आप लोगों की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं कैसे अप्लाई करेंगे। दे में अप्लाई टू द HARERA पंचकुला अलॉन्ग विद द ब्रीफ बायो डाटा एज वेल एज कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स ऑफ मैट्रिक प्लस टू BCOM CA एग्जाम्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। द एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच द अथॉरिटी एट द एड्रेस गिवन बिलो लेटेस्ट बाय 18 अक्टूबर 2021। 18 अक्टूबर 2021 तक आप लोगों की एप्लीकेशंस पहुंच जानी चाहिए, ठीक है, गिवन एड्रेस पे। और मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं www.haryanaera.gov.in, इस पे आप जाकर इस साइट पे जाकर के भी आप पूरी की पूरी डिटेल PDF फॉर्म में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप गिवन जो एड्रेस है नीचे वहाँ पे आप अपना रिज्यूम सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई जॉब्स के साथ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कैसी आप लोगों को और जॉब्स चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें और इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।